वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 38 में आज हम बात कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की। सॉरी, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, हमारे पास दो स्ट्रिंग होती है। लेट्स सपोज लुक हियर, ओके, आई हैव अ स्ट्रिंग वन हियर, लुक गाइस, हियर स्ट्रिंग वन वी हैव एंड अदर another string is string 2, okay, you think what is string 1 and string 2, then let's see here, okay, let's suppose string 1 is hello, okay, and string 2 is world, now focus on this, if we want, जब हम, अगर हम इन दोनों को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अलग वेरिएबल में है, और एक अलग वेरिएबल में, लेकिन हम चाहते हैं आप दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है। अभी जो स्ट्रिंग बोल रहे हैं, इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है, तो ये भी कैर डेटा टाइप का हो सकता है, वायर कैर डेटा टाइप का हो सकता है, जो यूज कम होता है, वायर कैर टू हो सकता है, या कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का ये स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। तो इतने तरह के स्ट्रिंग का मतलब इतने तरह के स्ट्रिंग हो सकते हैं हमारे पास, कौन कौन, कैर, वैर कैर, वैर कैर टू, टू इज मिसिंग है, एंड कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ जब भी हम दो कैरेक्टर स्ट्रिंग को, ले सपोज ये स्ट्रिंग वन और ये स्ट्रिंग टू कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है, कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है, डेटा टाइप इनका कैरेक्टर है, तो जो हमें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, ले सपोज हमें एक स्ट्रिंग मिला स्ट्रिंग थ्री, कि मैं इस सबको इरेज कर लेता हूँ वाला हेलो को, ठीक है। तो देखिए, जब हम स्ट्रिंग वन, क्या वो क्या बोले स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को, ये बोल रहे कि वो दोनों कैरेक्टर डेटा टाइप के हैं, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है, एक वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्री, वो भी कैरेक्टर टाइप का ही होगा। अगर ये दोनों स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू वैर कैर डेटा टाइप के रहे, तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी वैर कैर डेटा टाइप का ही स्ट्रिंग होगा। अगर वो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू वैर कैर टू डेटा टाइप के रहे, तो जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो वैर कैर टू डेटा टाइप का होगा, ठीक है, और ये सारे परमानेंट डेटा टाइप के होंगे। बट जो स्ट्रिंग होंगे डेटा टाइप में, जो स्ट्रिंग होंगे वो परमानेंट होगा। बट जब हम कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट का लेंगे, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को समझ लीजिए कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट सी एल ओ बी के डेटा टाइप है इनके, ठीक है, तो जो आउटपुट में मिलेगा वो भी कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट में मिलेगा, बट स्ट्रिंग टेम्पररी रहेगा, ठीक है, मतलब वो सेव नहीं होगा, ठीक है। एंड जब अगर एक स्ट्रिंग कैर डेटा टाइप का हो, ठीक है, दूसरा वैर कैर का हो, तो मतलब जो हाइयर डेटा टाइप होंगे, ठीक है, वर्जन के अकॉर्डिंग जो हाइयर डेटा टाइप के होंगे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर कैर और वैर कैर है तो आउटपुट जो होगा वैर कैर का होगा, कैर और वैर कैर टू है तो जो आउटपुट होगा वो वैर कैर टू का होगा, कैर और कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट का है तो जो आउटपुट होगा वो कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। वहीं पे वैरकर और वैरकर टू को लेते हैं, ठीक है, तो वैर जो आउटपुट स्ट्रिंग होगा वो वैरकर टू डेटा टाइप का होगा। वहीं पे अगर वैरकर और वैरकर और सी ओ ले बी के स्ट्रिंग को लेते हैं, तो जो आउटपुट होगा वो सी एल ओ बी का होगा। वहीं पे वैरकर टू को अगर सी एल ओ बी के साथ जो स्ट्रिंग को अगर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो जो आउटपुट मिलेगा तो वो भी सी एल ओ बी का स्ट्रिंग होगा, ठीक है, और सी एल ओ बी के किसी के साथ भी कर दे तो जो आउटपुट मिलेगा वो सी एल ओ पी मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गया, तो ये समझ बात समझे कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है तो उसको हम लोग यूज करते हैं दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में हम यहाँ पे पाइप सिंबल या बोलिए हॉरिजेंटल बार, दो हॉरिजेंटल बार को यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, दिस ऑपरेटर इज यूज टू कम्बाइन टू गिवन स्ट्रिंग, इसके हमने समझा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट दिखे ना, जैसे
ये रहा हमारा। अगर मैं टेबल देखूं अपना जो यहाँ पे डेटाबेस में बना हुआ है, ये एम्प्लॉय टेबल देखिए, ठीक है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का नंबर है, जॉब है, उनके मैनेजर का नंबर है, वो किस डेट को कंपनी में हायर हुए, उनकी सैलरी, उनकी कमीशन और वो किस डिपार्टमेंट नंबर में काम करते हैं, सारा डेटा दिया हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट दिखे ना, ठीक है, यहाँ स्मिथ को देखिए, फिलहाल स्मिथ है, उसकी सैलरी 800 है, ठीक है। तब आप यहाँ देखिए, हम चाहते हैं जो आउटपुट दिखे हमें, अब चाहते हैं स्मिथ योर सैलरी इज 800 इस तरीके से दिखे, तो आप स्मिथ को फोकस कीजिए। स्मिथ क्या था वहाँ पे, यहाँ पे देखिए टेबल पे स्मिथ क्या है, एक टेबल मतलब एक कॉलम नेम पे है डेटा, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, और ये जो सैलरी 800 है वो क्या सैलरी है, तो हम क्या चाहते हैं, ये जो स्मिथ है वो एम्प्लॉय नेम है, और एम्प्लॉय नेम कहाँ प्रेजेंट है, एम्प्लॉय नेम के कॉलम में, ठीक है, और ये जो सैलरी 800 है वो कहाँ सैलरी वाले कॉलम में प्रेजेंट है। तो हम दो कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक, दो कॉलम को मतलब मर्ज करने का मतलब दो कॉलम को कंबाइन करके आउटपुट लाना चाह रहे हैं, और बीच में एक स्ट्रिंग डालना चाह रहे हैं योर सैलरी इज, मतलब स्मिथ योर सैलरी इज 800, हम ये चाह रहे हैं करना, ठीक है, होप कि ये समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट क्लाउज को लिखा, फिर वहाँ पे कॉलम नेम को पास किया, कॉलम नेम को पास कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर अब हमको क्या बोले, दो गिवन स्ट्रिंग को मर्ज करना है, ठीक है, दो स्ट्रिंग को मर्ज करना है, तो एम्प्लॉय नेम जो स्ट्रिंग है उसका कोई अपना डेटा टाइप होगा, कैर वैर कैर टू है या कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका कोई अपना डेटा टाइप होगा, ठीक है, तो उसको भी ले लिए, मतलब उसके लिए एम्प्लॉय का नेम के लिए हम पूरे कॉलम का नाम को रख लिए, ठीक है, फिर कॉन्केटिनेट कर दिए हॉरिजेंटल बार से, ठीक है, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिए योर सैलरी इज, फिर उसको बंद किए, एक स्ट्रिंग खत्म। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये दो स्ट्रिंग हो गया, और उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये दो स्ट्रिंग के बीच हम फिर एक और फिर लगा दिए कि सैलरी वाला। अब ये सैलरी भी एक तरह की स्ट्रिंग है, मतलब सैलरी अगर नंबर फॉर्मेट में है यहाँ पे, तो ये भी तो स्ट्रिंग ही हुआ ना, ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा, ठीक है, ये हमें एक आउटपुट दिया, ठीक है, अब ये आउटपुट मिलके एक स्ट्रिंग बना, ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, उसको कॉन्किटिनेट कर दिए दूसरी स्ट्रिंग से, ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सैलरी तो नंबर डेटा टाइप का लग रहा है, ठीक है, या कुछ और डेटा टाइप का भी हो सकता है, तब कंफ्यूज मत होइए, बस हम स्ट्रिंग का आपको बस फॉर्मेट बताया, तो यहाँ पे नंबर भी हो सकता था, ठीक है, अगर नंबर होता और किसी के साथ कंबाइन कर देते तो फिर ये कैर वैर कैर या कुछ भी बन सकता था, ठीक है, फाइनली आउटपुट में अगर हम कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी कॉलम को अगर ऐड करते हैं तो फाइनली हमें वैर कैर टू या CLOB डेटा टाइप का ही आउटपुट मिलेगा, ना कि नंबर में, ना कि डेट में, ना ही बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ है, ये एक स्ट्रिंग मतलब जो एम्प्लॉय का नेम जो भी शो होगा, ये फिर यहाँ पे ध्यान दिए, फिर ये पूरा एक सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, अब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग के बीच में हम क्या यूज किए, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रिंग मिलके हमें एक आउटपुट दिया, अब उस आउटपुट को फिर हम कंबाइन कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं सैलरी वाले कॉलम के साथ, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ साथ कॉलम नेम से भी कॉलम नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कॉलम नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनीथिंग बिटवीन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज अ स्ट्रिंग, ओके, कुछ भी अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है।
ठीक है, तो ये एक ऑप स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, और उन दोनों के बीच में लगा है फिर से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो अब क्या थ्योरी था यहाँ पे, इसका थ्योरी में दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू गिवन स्ट्रिंग, दो से ज़्यादा एक साथ दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को कभी ये कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है, एक साथ दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को ये कंबाइन नहीं करेगा, एक टाइम पे सिर्फ दो स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से क्वेरी को लिखेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, स्मिथ योर सैलरी इज 800, और जितने भी कॉलम में जो भी इम्प्लॉय के नेम होंगे सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर वर्क करता है, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन आगे एक कॉन्केट फंक्शन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर साथ में दोनों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझ लेते हैं पहले। ठीक, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह है, हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बोलिए, मतलब फंक्शन बोलिए, उसको यूज करते हैं, शॉर्ट में कॉन्केटिनेशन फंक्शन को कॉन्केट लिखा जाता है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन में एक साथ दो स्ट्रिंग को मर्ज करता है, ठीक है, एक साथ सिर्फ दो स्ट्रिंग को मर्ज करता है, और इसका सिंटेक्स ये है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, मतलब फंक्शन का नाम दे दिए, और जैसे बोले एक साथ सिर्फ दो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वन यहाँ रहेगा और यहाँ पे स्ट्रिंग टू रहेगा, ठीक है, कोई तीसरा स्ट्रिंग यहाँ नहीं हो सकता है, मतलब हम तीन स्ट्रिंग को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ दो ही स्ट्रिंग को ये भी कंबाइन करता है, मर्ज करता है, तो वही चीज़ नोट में लिखा हुआ है, वी कैन ओनली पास टू आर्ग्यूमेंट इनसाइड कॉन्केटिनेशन फंक्शन। अब इस अगर ये आपको समझ में आया होगा तो इसके बारे में बताने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊं, ठीक है। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तो ये हमारा क्या है एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, हम पहले कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मतलब जो हॉरिजेंटल बार है उसको यूज करके जो हमने एग्जाम्पल में देखा था उसको अब यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं, मतलब एम्प्लॉय का नाम जैसे स्मिथ योर सैलरी इज 800, ठीक है, तो इस तरीके से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉलम ने, और आप सोच रहे होगे कि हमने तो बोला था शुरू में ये दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है, तो चलिए मैं पहले स्ट्रिंग को कंबाइन करता हूँ, बाद में फिर उसे कॉलम नेम के साथ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स सपोज हियर इट इज, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, कॉल आ गई थी, ठीक है। तो अब हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज हम हेलो लिखते हैं, हेलो, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग होगी सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग और लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई क्योंकि दोनों अलग अलग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अगर वह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही रहने देता हेलो वर्ल्ड तो ये एक ही स्ट्रिंग रहता, ठीक है, क्योंकि दोनों एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है। अब मैं एक और स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एक और स्ट्रिंग लिखता हूँ इन एसक्यूएल लेक्चर, अब ये दो स्ट्रिंग हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या कहता हूँ, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इन दोनों के बीच में लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ ड्यूबल टेबल, ठीक है, ड्यूबल टेबल, चलिए देखिए ड्यूबल टेबल क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब पहले यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या है, हेलो वर्ल्ड, मतलब हमारा क्या था सेलेक्ट हेलो वर्ल्ड, बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे था, फिर दूसरा स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग ये था और एक स्ट्रिंग ये था, आउटपुट में क्या दिया हेलो वर्ल्ड इन एसक्यूएल लेक्चर, यहाँ वर्ल्ड और इन साथ में आ गया क्योंकि यहाँ इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमने स्पेस नहीं दिया और ना ही यहाँ स्पेस दिया, तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का क्या करता है, जहाँ पे स्ट्रिंग एंड होता है, ठीक है, जस्ट उसी के बाद से, मान लीजिए स्ट्रिंग का अगर इंडेक्स नंबर करे और स्ट्रिंग मेरा 6 में ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट स्ट्रिंग 7 से स्टार्ट होगा, अगर 7th वाला स्ट्रिंग स्पेस है तो वहाँ स्पेस को भी काउंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए
अब डुअल टेबल, डुअल क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम क्लॉज में हम हमेशा टेबल को पास करते हैं, तो डुअल भी एक टेबल है। इसके लिए एक अलग लेक्चर आएगा जब ये ऑपरेटर्स की सीरीज ख़त्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद में डुअल का बता दूंगा, ठीक है। तो डुअल के लिए अलग से लेक्चर आएगा, तो उसके लिए अभी कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। अभी डुअल को बताने चला तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और हर एक चीज़ को डीपली बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी फोकस सिर्फ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ना, तो आप कोई टेबल का नाम ना लेके डुअल का, मतलब डुअल टेबल का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो कि अगर अगर यहाँ पे डुअल की जगह एम्प्लॉय टेबल यूज करते तो क्या होता है, चलिए वो भी देख लीजिए। अभी क्या होगा, जादू देखिए बस। क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल में जितना रिकॉर्ड था ना, उतनी बार हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया जो हमने सेलेक्ट क्लॉज में पास किया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, जो टेबल से रिलेटेड ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप डुअल का यूज करो, डुअल टेबल का, ठीक है। और अगर आप कोई टेबल को यूज कर लेते हो जो ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है, तब हमें आउटपुट उतनी बार मिलेगी जितना रिकॉर्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो देखिए कितने बार आउटपुट हमें मिला, 14 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 14 रिकॉर्ड है ना। अब ये समझ में आया, दो स्ट्रिंग को हमने कंबाइन करके देख लिया, ठीक है। अब ये दो स्ट्रिंग को कंबाइन किया था किसके थ्रू, मैं यहाँ डुअल को ही लिखता हूँ गाइस, ठीक है, डुअल के थ्रू, इसके थ्रू कंबाइन किया सिंगल ये के थ्रू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं दो स्ट्रिंग को किसके थ्रू, कॉन्केटिनेशन, कॉन्केट फंक्शन के थ्रू कंबाइन करके दिखाता हूँ, बाद में फिर कॉलम नेम के साथ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा, और इस बार मैं स्पेस दे ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा। वेर इट इज, ओके नाउ लेट्स सी गाइस। अब देखिए यहाँ पे कॉन्केटिनेशन फंक्शन को यूज करके उसके अंदर दो स्ट्रिंग को मैंने पास किया, दो स्ट्रिंग को पास किया, और फिर वह मेरा आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड इन एसक्यूएल लेक्चर, ये आ गया। तो अभी तक हमने दो चीज़ को देखा, हॉरिजेंटल बार और कॉन्केटिनेशन फंक्शन को यूज करके सिर्फ दो स्ट्रिंग को कंबाइन किया। अब हम कॉलम नेम के साथ स्ट्रिंग को कंबाइन करेंगे और एक के साथ दो तीन स्ट्रिंग को भी रखेंगे, बट वो काम कैसे करेगा उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, अब इसको पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल से सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखे, जैसे हम चाहते हैं कैसा हमारा रिकॉर्ड दिखे, हम अपना रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं इस तरीके से, स्मिथ योर सैलरी इज 800, मतलब पूरा एक सेंटेंस फॉर्म करके देखना चाहते हैं, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम से शुरू करेंगे, तो एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, ई नेम, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉलम नेम है ना कि स्ट्रिंग नेम है। तो कॉलम नेम के साथ, कॉलम नेम को हम कभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखते हैं, अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको रख दिए तो वो भी एक स्ट्रिंग का मान, स्ट्रिंग माना जाएगा ना कि कोई कॉलम माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच हम रखते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी डबल हो गया। अब लिखते हैं योर, ऐसे योर सैलरी इज, योर सैलरी इज, ठीक है, योर सैलरी इज रुपीस रख देते हैं, रुपीस, ओके रुपीस, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर स्पेस भी रहता है ना, तो उसका भी एक स्पेस भी स्ट्रिंग के फॉर्म में काउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम, अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे डुअल नहीं होगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे हम एएमपी टेबल को पास करें, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से हमको रिकॉर्ड को लाना है। तो देखिए ये एम्प्लॉय नेम में जो नेम होंगे वो एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट में होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग का, एक ये दो स्ट्रिंग थे, ई नेम स्ट्रिंग वन और योर सैलरी इज रुपीज स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू कंबाइन होकर हमें अलग स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्री दिया। ये पूरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्री है, उसको हम अलग कॉलम नेम से कंबाइन कर रहे हैं सैलरी, ठीक है।
तो ये सैलरी कैसा नंबर डेटा टाइप का है, नंबर डेटा टाइप का, और इधर हमें क्या मिला होगा, कैरेक्टर टाइप का मिला होगा या वैरकर टाइप का मिला होगा। तो जो फाइनल आउटपुट होगा या तो कैरेक्टर होगा या वैरकर का होगा। देखिए अब आउटपुट, आउटपुट देखिए अब हमें क्या मिला, इसमें थी और सैलरी इस 800, और जितना 14 रिकॉर्ड था उनका भी वही तरीके से लास्ट रिकॉर्ड देखिए, मिलर योर सैलरी इज ₹1300। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक आउटपुट हमें मिला एक स्ट्रिंग का। ठीक है, वो फिर उसको मर्ज कर दिए फिर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा के सेकेंड वाले कॉलम से, और ये जो अब हमें मिल रहा होगा इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, या तो कैर होगा, वैर कैर होगा, वैर कैर टू हो सकता है, डोंट नो, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि जो एम्प्लॉय नेम है उसका डेटा टाइप कैसा है। ये जैसा डेटा टाइप का होगा वो आउटपुट उसी तरीके का होगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ करके हम एक साथ कॉलम नेम को भी पास करके देख लिए, ठीक है, और स्ट्रिंग को भी पास करके देख लिए। अब कॉन्केटिनेशन फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो फिलहाल मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, फिर टेबल को ओपन करता हूँ। हाँ, अब उसी तरीके से हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। हम क्या जानते हैं कि एक कॉन्केटिनेशन फंक्शन जो है उसमें क्या कर सकते हैं, एक साथ दो ही स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। मतलब कॉन्केटिनेशन हम क्या चाहते हैं कि एक साथ दो ही स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, और हमें आउटपुट कैसा चाहिए, आउटपुट कैसा चाहिए, कहाँ गया वो क्लियर, ये रहा आउटपुट, हमें फिर इसी फॉर्म में चाहिए। इसमें थी और सैलरी इज 800, यहाँ रुपीज़ को मैं ऐड कर सकता था लेकिन यहाँ रुपीज़ नहीं है, बट रुपीज़ में अलग से ऐड कर रहा हूँ। आपको इसी फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो चलिए वेयर इट इज हेयर ना, एक तो एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, ये कॉलम नेम, दूसरा योर सैलरी, योर सैलरी, और ये स्ट्रिंग है अलग से, कोई ये नहीं है, तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, स्पेस दे देते हैं इज रुपीज़। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, चलिए दिखा ही देता हूं मैं आपको। तो ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, हमने लिखा, हम लोग जानते थे कि कॉन्केटिनेशन फंक्शन जो है एक साथ सिर्फ दो ही स्ट्रिंग को ले सकता है, तो एक इम्प्लॉय नेम को दे दी, दूसरा स्ट्रिंग पास कर दिए योर सैलरी इज, ये इम्प्लॉय नेम कॉलम नेम था। अभी तक तो आपको सब समझ में आ गया वो कहानी क्या चल रहा है, सीन क्या है, योर सैलरी। लेकिन अब सैलरी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सैलरी पास किया ही नहीं, तो उसे किस तरीके से करेंगे, तो अब ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ पे एडिटर पे चलिए, ये हमें क्या दे रहा है, एक आउटपुट, एक सेकेंड, हमें एक आउटपुट इस तरीके से दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं राम कहानी, उसका सिर्फ इतना ही आउटपुट मिल रहा है, इसमें थी और सैलरी इज रुपीज़, सैलरी अभी भी नहीं मिल रहा है, सैलरी अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये एम्प्लॉय नेम और ये योर सैलरी दो स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको एक स्ट्रिंग बना रहा है कौन, कॉन्केटिनेशन, मतलब ये टोटल मुझे जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये टोटल मुझे एक स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को फिर हमें किसके साथ कॉन्केटिनेट करना है, तो इस ओ सॉरी इस स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है मुझे किसके साथ, सैलरी के साथ। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट करना है तो कॉन्केटिनेशन फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो फिर अब देखिए ये रहेगा, फिर यहाँ पे क्या, कॉन कैट, और आपको शायद समझ में आ रहा होगा एक्चुअली में माजरा क्या है। पहले क्या हुआ, ये फंक्शन इंटरनल फंक्शन यूज हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, हाँ पहले ये, पहले देखिए ये वाला ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, कॉन्केट एम्प्लॉय नेम और योर सैलरी, तो मैं यहाँ नीचे ही लिखता हूँ। तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो वो हमें क्या दिया, हमें दिया ई नेम योर सैलरी इज रुपीज, ठीक है, ये दे दिया, इतना का आउटपुट हमें ये मिला। ठीक है, फिर इस पूरे को भी हम कॉन्केटिनेट कर दिए सैलरी वाले कॉलम के साथ, ठीक है, फिर यहाँ भी कॉन्केटिनेशन ऑफ फंक्शन को पास कर दिए,
ठीक है, तो फाइनली मेरा ये हो गया। तो एम्प्लॉय ने इन्हें योर सैलरी इज रुपीज सैलरी, एक्चुअली में सेंटेंस ये फॉर्म हुआ। तो अब यहाँ से एक चीज़ और समझे कि हम कॉन्केटिनेशन फंक्शन को भी कॉन्केटिनेशन फंक्शन के अंदर पास करके कितना बड़ा भी हम कॉलम नेम और स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ लेट्स सी मैजिक। ओ ग्रो, ऊपर वाले में सिर्फ क्या आ रहा था, मिलर योर सैलरी इज रुपीज, लेकिन अब रुपीज के साथ सैलरी भी प्रिंट हो रही है। और कितना फंक्शन लगा, दो फंक्शन लगा, दो फंक्शन के साथ हमने ये प्रिंट किया। तो कि आपको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और कॉन्केटिनेशन फंक्शन की ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और एक लाइक कर दे ताकि अपना मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।